मैं हूँ बियर गिल्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे चकाचौंध भरे बाजार में अपने पैसे बचा सकते हैं। पैसे बचाने के हुनर के बिना आप यहाँ एक दिन भी अपनी कड़ी कमाई को बर्बाद होने से नहीं रोक पाएंगे। और उस एनिमल से लड़ूंगा जो मुझे मारना चाहता है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बियर गिल्स और आज हम जाने वाले हैं एक और रोमांचक सफर पर। आज हम एक ऐसे समुदाय में जाएंगे जिसका कल्चर और रहन सहन एकदम अलग होगा। अभी मेरा हवाई जहाज 150 किलोमीटर की रफ्तार से रोड के बीचों बीच गोते खा रहा है। जैसे ही पायलट का इशारा मिलेगा मैं इससे तुरंत नीचे कूद जाऊंगा। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। पार्किंग व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण पायलट को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो अपना एरोप्लेन कहाँ पर लैंड कराए। मैं सुरक्षित तो उतर गया लेकिन अभी मेरी चुनौतियाँ कम नहीं होंगी। अभी मुझे पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए। हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हो सकता है हमें चीजें और सस्ती मिले। अभी मैं बाजार के एकदम करीब हूँ। यहाँ पर मेरा सामना होगा जबरदस्त भीड़ और लोगों की तेज निगाह का। शाम का समय है, आपको यहाँ काफी सारी नर और मादाएं देखने को मिलेंगी। कुछ नर यहाँ पे सब्जी के स्टॉल लगाए हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब होगी हमारी असली अग्नि परीक्षा। आज की रात पूर्णमासी की रात है। ये लोग हफ्ते भर की सब्जी लेकर जाएंगे और उसे हफ्ते भर तक पका कर खाएंगे। ये बाजार दरअसल में एक बड़ा माया जाल है। ये जितना हैरत अंगेज है उतना ही बेरहम भी। अगर आपने यहाँ एक छोटी सी भी गलती की तो आप अपने महीने भर की कमाई को एक झटके में बर्बाद कर सकते हैं। सूर्यास्त होने वाला है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। अगर शाम होने से पहले हम इस बाजार से बाहर नहीं निकले तो ये हमारे लिए समस्याएं और अधिक बढ़ सकती है। ऐसे हालात में अपने दिमाग पर नियंत्रण रखें और अपनी आंखें खुली रखें। मैं काफी थक गया हूँ, अब मुझे अपना बूस्टर चढ़ा लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए तो हमारे लिए समस्या और बढ़ जाएंगी। दोस्तों ये देखा आपने, ये दोस्तों भूरे रंग का आम है। इस प्रजाति का आम पूरे विश्व में केवल यहीं पर पाया जाता है। तो भाई साहब आप इसके बारे में कुछ बताइए। अब मानी के घर यही आम आता है। ये सब लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं नई नवेली दुल्हन हूँ और ये दूल्हे के रिश्तेदार और पड़ोसी हो। कुछ गिद्ध मुझे घूर रहे हैं, हो सकता है ये मेरा शिकार करने के फिराक में हो। मुझे तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। ये बाजार इतना विशाल है कि मुझे इसे पार करने में घंटों लग गए। अगर आपका दिल इसकी किसी चीज पर आ गया तो हो सकता है आपको और ज्यादा समय लग जाए। इसलिए सावधान रहे और आगे बढ़ते रहे। अब मुझे काफी जोर की भूख लग रही है, मुझे वहाँ से अच्छी सुगंध आ रही है। चलिए पास जाकर देखते। अगर आपको इस तरह के स्वादिष्ट फल बाजार में खाने को मिल जाए तो आप बहुत खुशकिस्मत है। ये देखा आपने, ये लाल है, इसकी सुगंध भी काफी अच्छी है, ये मुझे पसंद है। मुझे दुकानदार को देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास दो पैर और उनमें भरी अथाह गति है जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे अब अपना बूस्टर चढ़ा लेना चाहिए। असल में आप कितने भी चतुर क्यों ना हो लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप शून्य हैं। थोड़ी जान में जान है। मुझे अपने समुदाय का एक व्यक्ति मिला है, ये काफी परेशान नजर आ रहा है। चलिए इससे पूछते हैं कि आखिर इसकी समस्या क्या है। इस बाजार में मेरा पूरा पैसा खर्च हो गया है। तो देखा दोस्तों, ये दुष्ट बाजार की चकाचौंध आपकी महीने भर की कमाई को एक झटके में बर्बाद कर सकती है और आपको पता भी नहीं चले। वेट गाइस, अब भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वीडियो में मजा नहीं आया, वीडियो में ये दिक्कत थी, वीडियो अच्छा नहीं बना। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि देखो भाई, पहली बात तो इतनी जबरदस्त भीड़ में जाके शूट करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद भी हमने ठीक ठाक शूट कर लिया। और देखो, जिसको पसंद आया वो लाइक बटन को हिट जरूर करना। इस वीडियो का टारगेट मैं 100 लाइक दे रहा हूँ। अगर मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक मिल गए तो मैं इसका अगला पार्ट कोटा के दशहरे मैदान में जाकर शूट करने वाला हूँ और वो काफी जबरदस्त होगा। तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।